नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसकी मदद से आप जो है अपने कीबोर्ड पर से अपने माउस कर्सर को हैंडल कर सकते हो। मतलब के आप जो है दोस्तों अपने माउस कर्सर को अपने कीबोर्ड पर से यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका माउस खराब हो चुका है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरह हम हमारे कर्सर को, मतलब हमारे माउस कर्सर को इजिली हैंडल कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड के न्यूमेरिक की से। जो हमारा नम पैड होता है दोस्तों, हमारा न्यूमेरिक कीज जो होती है अप लेफ्ट और डाउन, तो उन कीज की मदद से हम हमारे माउस के कर्सर को हैंडल कर सकते हैं इजीली हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, वो भी कीबोर्ड से। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो जो है वो हैंडीकैप लोगों के लिए है, मतलब कि जिनके फिंगर स्टिक से काम नहीं कर पाते हैं या फिर जो अपना माउस ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर में, उनके लिए ये वीडियो है। या फिर चाहो तो आप जो है इमरजेंसी में इस तरीके को यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में माउस को हैंडल करने के लिए कीबोर्ड से, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक वीडियो हमने बनाई थी दोस्तों, जो की थी व्हाट इज स्टिकी कीज, एक्चुअल में स्टिकी कीज होती क्या है और वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है, वो भी हैंडीकैप लोगों के लिए थी, मतलब जिनके फिंगर स्टिक काम नहीं करते हैं और जो है मल्टीफंक्शंस का यूज जो नहीं कर पाते थे ठीक से, उनके लिए व्हाट इज स्टिकी कीज की वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको पता नहीं होगा स्टिकी कीज होते क्या है और किस तरह काम करते हैं, तो ऊपर आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ऊपर आप उस पर क्लिक करके आप सीधा वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी मैं सेम उसी तरीके से आपको कुछ बता देना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि अगर ठीक से आपके फिंगर्स काम नहीं कर पा रहे होंगे या फिर किसी इंजरी की वजह से आप माउस को यूज नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर इमरजेंसी में अगर आपका माउस बंद हो जाता है या फिर आपका माउस काम करना बंद कर देता है, तो आप कीबोर्ड से कुछ टाइम के लिए अपने माउस को हैंडल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं दोस्तों कि इस पर से आप मल्टीपल फंक्शंस अच्छे से वर्क कर पाओगे, जैसे कि आप माउस को लेकर के यूज करते हो, लेकिन इमरजेंसी में आप इस तरीके को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि किस तरह हम हमारे माउस कर्सर को कीबोर्ड से हैंडल करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑप्शन ऑन करना होता है दोस्तों, जो कि होता है हमारे कंप्यूटर में ही, हमारे कंट्रोल पैनल में। तो हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप यहां पर सीधा कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हो, और अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे तो आप यहां पर जो स्टार्ट बटन देख पा रहे होंगे, यहां पर क्लिक करके यहां पर एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, आप वहां पर आ सकते हो कंट्रोल पैनल में, ठीक है, उस पर क्लिक करके। तो हम जो है विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल यहां पर सर्च कर लेते हैं और कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पाओगे हम कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि हम कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ईज ऑफ एक्सेस सेंटर यहाँ पर, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, आप देख पाओगे मेक द कीबोर्ड अर्लियर इजियर टू यूज, ठीक है, आपको इस ऑप्शन में आ जाना है दोस्तों। इसमें आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों टर्न ऑन माउस कीज, यहाँ पर आपको जो कंट्रोल द माउस विद द कीबोर्ड, इस ऑप्शन में आपको जो टर्न ऑन माउस कीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसको आपको ऑन करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन करने से पहले हम कुछ सेटअप कर लेंगे माउस कीज की। तो हम यहाँ पर आते हैं जैसे कि सेटअप माउस कीज में, ठीक है। इसमें आने के बाद में आप यहां पर देख पाओगे आपके कुछ ये इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको ये ऑप्शंस ऑन कर लेने हैं दोस्तों, जो जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपके पास में ये कीबोर्ड शॉर्टकट का ये जो ऑप्शन है दोस्तों टर्न ऑन माउस कीज विद द लेफ्ट अल्ट लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक, ठीक है, तो ये ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। हो सकता है ये आपके सामने अनमार्क का, तो इसे आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद में इस ऑप्शन को भी आप ऑन कर लीजिए, डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन, ठीक है, और उसके बाद में इस ऑप्शन को भी ऑन कर लीजिए जो कि है मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन और ऑफ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर माउस पॉइंटर की स्पीड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इसे आप इस तरीके से हाइपर रहने दीजिए, एक पॉइंट आप कम रहने दीजिए लेकिन इसे हाइपर रहने दीजिए और एक्सेलरेशन को फास्ट पर रहने दीजिए, तो जाकर आपका माउस कर्सर जो है वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों अदर सेटिंग्स में यूज माउस की कीज व्हेन नम लॉक इज ऑन और ऑफ, ठीक है, तो आप इसे ऑन पर कर लीजिए, ठीक है। इसके ठीक है, इतना सेटिंग होने के बाद में यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले द माउस कीज आइकॉन इन ऑन द स्टार्स बार, ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी आप ऑन कर लीजिए। तो इतनी सेटिंग जो मैंने आपको बताई दोस्तों, जिन जिन ऑप्शन को आपको ऑन करने का है उन ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए।
और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओके के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टर्न ऑन माउस कीज, ठीक है, इस ऑप्शन को आपको मार्क कर देना है। और मार्क करने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख पाओगे नीचे की साइड में हमारे पास में यहाँ पर एक माउस कीज का टास्क बार में आइकॉन आ चुका है, जो कि है इस तरीके का, आप देख पाओगे माउस का, तो आपको आपके टास्क बार में वो आइकॉन आ जाएगा दोस्तों। आप जैसे ही अप्लाई करोगे और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके के बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे हम आ जाते हैं बाहर, और यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे ही हम नम पैड ऑन करते हैं हम अभी माउस कर्सर को, हमारे माउस को छोड़ देते हैं दोस्तों, माउस को हाथ नहीं लगाते। उसके बाद में हम नम लॉक का जो हमारा कीबोर्ड पर बटन होता है दोस्तों उसे हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे हमारा जो टास्क बार में माउस का आइकॉन आया है वो ऑन हो जाएगा। आप देख पाओगे वो ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है, आप देख पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आप जैसे ही आप नम लॉक पे मतलब नम पैड का जो अप और लेफ्ट और डाउन कीज है उनको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका माउस कर्सर लेफ्ट और राइट मूव होने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं हमारे माउस को, तो हम हमारा माउस कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, हम राइट साइड में लेते हैं तो राइट साइड में आ रहा है, हम अप साइड अप का बटन दबाते हैं तो अप साइड में जा रहा है, और डाउन का दबाते हैं तो डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मेट मैं आप सभी को समझा देना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि अगर हम सिक्स बटन प्रेस करते हैं नम पैड का तो हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड में आएगा, हम अगर फोर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, अगर हम एट बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो ऊपर के साइड में जाएगा, और हम अगर टू बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो नीचे के साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे ही सेवन बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो क्रॉस होकर जाएगा कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड में, और अगर हम नाइन बटन प्रेस करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से क्रॉस होकर के जाएगा ऊपर के साइड में, राइट साइड में। ठीक है, तो उसके बाद में हम अगर वन बटन प्रेस करते हैं हमारे न्यूमेरिक कीबोर्ड का तो वो कुछ लेफ्ट साइड में नीचे के साइड में जाएगा क्रॉस होकर के, आप देख पाओगे इस तरीके से, और अगर हम थ्री बटन प्रेस करते हैं नम पैड का तो वो कुछ राइट साइड में क्रॉस होकर के नीचे जाएगा, आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपको हैंडल करना है कीबोर्ड से अपने माउस कर्सर को। और अगर आप किसी ऑप्शन पे जाके अगर आप फाइव बटन प्रेस करते हो दोस्तों, जैसे कि हम आते हैं माय कंप्यूटर में हम आते हैं, और माय कंप्यूटर में आने के बाद में हम जो है फाइव बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो है वो माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि हमारा जो है फाइव बटन लेफ्ट क्लिक है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम आते हैं राइट साइड में लेते हैं, फिर आते हैं ऊपर के साइड में आने के बाद में हम जो है इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो हम आते हैं ऊपर के साइड में, और क्रॉस के साइन पे हम आ जाते हैं। क्रॉस के साइन पे हम आने के बाद में हम यहाँ पर प्रेस करते हैं फाइव बटन, तो हमारा लेफ्ट क्लिक होगा दोस्तों, ठीक है, जो कि है फाइव बटन। ओके, तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों अपने माउस कर्सर को हैंडल कर सकते हो कीबोर्ड से इमरजेंसी में, अगर आपका माउस खराब हो जाता है या फिर आपके फिंगर्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं किसी इंजरी की वजह से, या फिर आपको दिक्कत आती है माउस को यूज करने में, तो आप कीबोर्ड से भी अपना माउस यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में अगर आपको इस फंक्शन को ऑफ कर देना है तो सिंपल आप नम लॉक का जो बटन होता है दोस्तों उसे आप प्रेस कर दीजिए तो आपका फंक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों हमने नम लॉक प्रेस किया तो हमारा वो फंक्शन ऑफ हो चुका है, जैसे कि आपने साउंड का आवाज सुना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बता देना चाहता था दोस्तों कि हम किस तरह माउस कर्सर को हैंडल कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।